नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। क्या फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 10 लैपटॉप, 2 राउटर, 8 मोबाइल, 4 हेडफोन पुलिस ने जब्त भी किया है। न्यायालय ने इन आरोपियों को 23 नवंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार परिमंडल 1 के पुलिस उपायुक्त विवेक पंसारे ने बताया कि हमें गुप्त जानकारी मिली थी कि एरोली सेक्टर 20 स्थित शिव शंकर हाइट में अवैध तरीके से कॉल सेंटर चालू कर अमेरिकी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। पूरे मामले को उजागर करने के लिए हमने साइबर एक्सपर्ट के साथ गुरुवार की रात को छापेमारी की। उक्त ठिकानों पर इस गिरोह के लोगों ने सबसे पहले अमेरिकी नागरिकों को अमेज़न के नाम से SMS और लैपटॉप का उपयोग कर VOIP के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को अमेज़न से बात करने को कहते थे। इसके बाद बताते थे कि उनका अमेज़न का अकाउंट हैक हो गया है। इसी के लिए एंटीवायरस अथवा सिक्योरिटी सर्विस चालू करवाने को कहते थे। इसके लिए गिफ्ट कार्ड खरीदने को कहा करते थे। इसी के बाद उनका कार्ड लेकर पैसा स्वीकार करते थे। पुलिस ने आरोपी मेहताब आयुब सैयद, हुनेश शाबिर कोठारी, सूरज मोहन सिंह, धर्मेश राकेश सालनिया, नौशाद रजी अहमद, शेख सौरभ, सुरेश दुबे, आसिफ अमित शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों की जाँच शुरू भी पुलिस ने कर दी है। हमारे रघवाई पुलिस स्टेशन ने एक रेड किया है। इसमें अमेजोन के नाम से कॉल करने वाले एक कॉल सेंटर वहाँ पे चालू था। इसमें 7 लोग और कम से कम 10 कंप्यूटर हम लोगों ने अभी तक बरामद किए हैं। 7 लोग इसमें अरेस्ट किए हैं। ये लोगों की अमाउंट भी ऐसी थी कि ये लोग अमेरिकन नागरिक को कॉल करके आपने कुछ अमेजोन की खरीद की है ऐसा कॉल करते थे। तो वो लोग वही पे नहीं बोलते हुए ये बोलते थे कि आपका अकाउंट शायद हैक हो गया है क्योंकि आपके अकाउंट से खरीदी तो हो गई है। तो उसके बाद अगर ऐसा दोबारा हैक न होने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, कोई एंटीवायरस लेना पड़ेगा और उसके लिए कुछ गिफ्ट कार्ड से आपको पे करना पड़ेगा ऐसा वो लोग बोलते थे। और गिफ्ट कार्ड उन्होंने खरीदने के बाद वो गिफ्ट कार्ड का कोड मंगाते थे और वो कोड से जो गिफ्ट कार्ड की वैल्यू है वो वैल्यू सब जो पैसा है वो पैसा वो फ्रॉड करते थे। ऐसा एक फ्रॉड सामने आया है जिसमें 7 लोग अभी तक हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं और बाकी का तपास अभी चल रहा है। इसमें कुछ लोग मालाड, ग्रैंड रोड, कांदिवली, बाइंदर यहाँ के अलग अलग जगह के रहते हैं। नई मुंबई का तो इसमें कोई नहीं। सर, ये लोग सिर्फ अमेजोन के नाम से कॉल करते थे तो इसमें कोई अमेजोन का कर्मचारी शामिल हो सकता है? अभी तक तो ऐसा सामने नहीं आया है। अमेजोन कंपनी की इसमें कसूर हुई है लेकिन इनके पास जो डाटा है वो डाटा अमेजोन कंपनी का है। अमेजोन कंपनी के जो कस्टमर है वो कस्टमर का डाटा ही इनके पास है। ये इतना तो अभी तक सामने आया है। तो ये थी खास खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।